इलेक्शन कमीशन ने नाहली केस में यूसुफ रजा गिलानी को क्लीन चिट दे दी है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बराहराज़ करप्ट प्रैक्टिस के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। जुल्करनैन इकबाल से बात करेंगे। जुल्करनैन, बताइए इस फैसले की क्या तफसील है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज शुदा फैसला पढ़कर सुनाया है, जिसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के और वोटों की खरीदो फरोख्त के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसके इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के बतौर सेंटर इंतखाब दुरुस्त करार दिया है, बल्कि उनको क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ उनके शवाहिद कोई नहीं है, इसलिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नहीं होगी। अलबत्ता जो उनके बेटे हैं अली हैदर गिलानी, जिनकी एक वीडियो सामने आई थी, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो वीडियो है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को कहा गया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के दफात के तहत एक बाकायदा कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज इस्लामाबाद के पास लॉन्च करें और उसके हवाले से आगे कार्रवाई करें। और जो दो मजीद इसमें वीडियो में मौजूद एमएनए से पीटीआई के एक कैप्टन जमील और फहीम खान, इन दोनों के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। तो ये वो फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी नाहली केस में आज सुनाया है। तकरीबन एक महीना इस फैसले को महफूज रखा गया था, इसके बाद इस फैसले को सुनाया गया और चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाने से पहले एक गिला एक तरह से किया और कहा कि इस केस के बारे से काफी गलत बयानी की जा रही है। ये केस हमारे पास सेनेट इलेक्शन के बाद यानी 6 मार्च को दायर हुआ था, उसके बाद 20 इसकी समातें हुई हैं, जिनमें से 12 मरतबा उनका कहना था कि इल्तवा लिया गया पीटीआई की जानिब से, 4 मरतबा इल्तवा लिया गया। जो पीटीआई के 2 MNAs हैं जो इस वीडियो में मौजूद हैं, कैप्टन जमील और फहीम खान, उनकी जानिब से, और 2 मरतबा इल्तवा उनका कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी की तरफ से लिया गया था। ये जो कहा जा रहा है कि 1 साल फैसला महफूज रखा गया, ये बिल्कुल गलत है। 1 महीना भी फैसला महफूज नहीं रहा और जिसको आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं, इसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया। जुल्करनैन, इस केस में 20 समातों में 12 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इल्तवा लिया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, कभी वो बैरिस्टर अली जफर जो सीनियर वकील हैं, कभी उनके वाले से कहा जाता था कि वो आज मौजूद नहीं है, और कभी वो सुप्रीम कोर्ट में होते थे, कभी हाई कोर्ट में होते थे। ज्यादातर इन वजूहत की बिना पर इल्तवा लिया गया और कभी इजाफी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए तरीके साफ, कभी अमेंडेड पटिशन जमा कराने के लिए टाइम लेती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर डिले आता रहा और केस जो है वो लिंगोरान होता रहा। तो 12 इल्तवा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरीके साफ की जानब से लिए गए हैं इस केस के अंदर, क्योंकि कई मरतबा तो ऐसा हुआ जो आलिया हमजा जो एक पटिशनर थी, उनके वाले से ना वो खुद कभी आती थी ना उनके वकील आते थे, 2-2 समातों पे ऐसा होता रहा है, उनकी दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा। ठीक है जुल्करनैन, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कैप्टन जमील और फहीम खान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है, ये हिदायत किस सिलसिले में की गई है? देखिए, क्योंकि वीडियो में अली हैदर गिलानी के खिलाफ जब करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई हो रही है, तो वो जिन लोगों से वो वोट खरीदने की या उनको वोट जाया करने की उनको तरगीब दे रहे थे, उनको तरीका बता रहे थे, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कंप्लेन में उनके साथ ही रखा है कि वो भी इसमें उतने ही मुलविस थे जितने अली हैदर गिलानी थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो बाजार ये लगा। फैसले की तफसील आपने बताई। जुल्करनैन इकबाल, आपका शुक्रिया।